ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान रघुवर दास जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, विश्वेश्वर टुडू जी, अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ और मां बिरजा के आशीर्वाद से आज जाजपुर और ओडिशा में विकास की नई धारा बहनी शुरू हुई है। आज बीजू बाबूजी की जन्म जयंती भी है। ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बीजू बाबू का योगदान अतुलनीय रहा है। मैं समस्त देशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बीजू बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आज यहां 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए ओडिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज पारादीप, सोमनाथपुर, हल्दिया, ये पाइपलाइन भी देश की सेवा में समर्पित की गई है। आज पारादीप रिफाइनरी में नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की एक यूनिट का उद्घाटन हुआ है। पारादीप रिफाइनरी में मोनो एथिलीन ग्लाइकोल के नए प्लांट का भी लोकार्पण हुआ है। इससे पूर्वी भारत के पॉलिस्टर उद्योग में नई क्रांति आएगी। इस परियोजना से भद्रक और पारादीप में बन रहे टेक्सटाइल पार्क को भी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा। साथियों, आज का ये आयोजन
इस बात की भी पहचान है कि बीते वर्षों में हमारे देश में वर्क कल्चर कितनी तेजी से बदला है। पहले की सरकारों की दिलचस्पी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में नहीं होती थी, जबकि हमारी सरकार जिस परियोजना की नींव रखती है उसे तेजी से पूरा करने का प्रयास भी करती है। 2014 के बाद देश में ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं जो अटकी पड़ी थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई भी थी। पारादीप रिफाइनरी की चर्चा भी 2002 में शुरू हुई, लेकिन 2013-14 तक कुछ नहीं किया गया। ये हमारी सरकार है जितने पारादीप रिफाइनरी का काम पूरा कराया। आज ही तेलंगाना के सांगारेड्डी में मैंने पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल के आरामबाग में हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी शुरू हुई है। साथियों, पूर्वी भारत को प्राकृतिक संसाधनों का असीम वरदान मिला है। हमारी सरकार इन संसाधनों को उड़ीसा जैसे राज्य की दुर्लभ खनिज संपदा को इसके विकास के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज गंजम जिले में एक डीसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसका लाभ उड़ीसा के हजारों लोगों को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से हर रोज 50 लाख लीटर खारे पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। साथियों, उड़ीसा के संसाधन राज्य की औद्योगिक ताकत और बढ़ाएं, इसके लिए केंद्र सरकार यहां आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी बल दे रही है। पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 वर्षों में हमने उड़ीसा में करीब 3000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए। रेलवे का बजट करीब 12 गुना बढ़ाया है। रेल, हाईवे और पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जाजपुर, भद्रक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, खोरदा, गंजाम, पुरी और केंदुझर जिलों में नेशनल हाईवे का विस्तार किया जा रहा है। यहां के लोगों के लिए जब अनुगुल सुकिंदा नई रेल लाइन की सुविधा भी हो गई है, इससे कलिंग नगर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का रास्ता खुल गया है। ओडिशा के विकास के लिए केंद्र सरकार ऐसे ही तेज गति से काम करती रहेगी। मैं एक बार फिर बीजू बाबू की जन्म जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हुए आप सबको विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जगन्नाथ।